आतंकवादीଙ୍କୁ ଏବେ ଡରାଉଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନକୁ ଡରାଉଛି ଆଇଏସଆଇଏସ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା। ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଇଏସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହମଲା। ଆଇଏସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହମଲା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ତାଲିବାନ। ଆଗକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆହୁରି ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହେବାର ଆଶଙ୍କା। चरमपंथी गोष्ठी तालिबान रो अनेक शीर्ष स्तरीय नेता पूर्वरु आतंकवादी बोली घोषित हो सारी। अगस्त मास गोष्ठी बलपूर्वक आफगानिस्तान दखल कर सारे पर हकानी परी आउ केतेक आतंकवादी गोष्ठी नेता नहीं देशर शासन क्षमता हाथ को नहीं तालिबान। मात्र बंदूक मुनरे आफगान नागरिक को भयभीत करालिबान एवं निजे भयर शिकार। बहु पूर्वरु पाकिस्तान और आफगानिस्तान में सक्रिय अंतर्जातीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस आड़ एवं भय रही तालिबान को। निकट में घटी एक घटना यार प्रमाण मिली। तालिबान को डराइबा को जाई भयंकर आत्मघाती विस्फोरण घटाई आईएस आतंकवादी। सूचना अनुसार अक्टोबर 3 तारीख दिन आफगानिस्तान राजधानी काबुल एक मस्जिद बाहर विस्फोरण घटाई आईएस के बा खोरासान गोष्ठी आतंकवादी। यह आतंकी हमलें तालिबान गोष्ठी अनेक लोके निहत एवं आहत होते हमला निजक दायी कर आईएसके। आरंभ होता तालिबान रो आईएस विरोधी ऑपरेशन। पाकिस्तान सीमा को लगी आफगानिस्तान रो विभिन्न प्रदेश समेत आउ केतेक प्रदेश में दिन तमाम ऑपरेशन करा जाई आईएस आतंकवादी को खोजा जाता। तालिबान ऑपरेशन जो अनेक आईएस आतंकवादी पाकिस्तान सीमा को पल आसे उत्तर काबुल आईएस आतंकवादी एक आड्डा उपर आक्रमण करालिबान। फल आड्डे समस्त आईएस आतंकवादी मृत्यु होवार दावी करालिबान मुख्य मुखपात्र जबीनुल्ला मुजाहिद। एपरिक मस्जिद विस्फोरण घटन केतेक संदिग्ध लोक गिरफ्त कर आईएस सहित संपर्क रही कि नहीं तदंत करालिबान प्रशासन। अफगानिस्तान में आईएस आतंकवादी गोटी आड्डा को नष्ट कि आतंकवादी को मारते तालिबान पर सबुठ बड़ मुंड व्यथार कारण पलटि आईएस। इराक और सीरिया इत्यादि देश में यार बलिष्ठ संगठन रही। पाकिस्तान में गोष्ठी सक्रिय रही जमापड़ी। आमेरिका काबुल छाड़ समय एयरपोर्ट में विस्फोरण घटाई आईएस पर आफगानिस्तान जलालाबाद विस्फोरण में गोष्ठी संप्रक्त रही। एबे अक्टोबर 3 तारीख दिन मस्जिद सामने घटी आत्मघाती विस्फोरण आमेरिका काबुल छाड़ा पर आईएस सबुठ बड़ विस्फोरण कहुची। आगक तालिबान आईएस सबुठ बड़ चैलेंज ठिया पुणी संगठन आहरी अधिक बड़ धरण हमला करें आशंका। रिपोर्ट अर्गस न्यूज।